तरीके से इसको डील कर सकती थी पार्टी? नहीं, मैं उसके ऊपर जब इतने विधायक नाराज हैं, ऐसे में छह विधायकों को आनन फानन में निष्कासित करना जो है वो सरकार का दुस्साहस नहीं लगता है आपको? नहीं, हम इसमें पार्टी की हाईकमान से बात करेंगे और वो मैं इस पे जो है कमेंट करना मेरे लिए वाजिफ और ठीक नहीं रहेगा। आगे का अब आपकी क्या योजना है आगे, चूंकि अभी आप जाएंगे सीएम साहब आप पर ही निगाहें हैं, आप गए नहीं सीएम साहब के यहाँ, अभी आप जाएंगे नहीं जाएंगे, जो इस्तीफा आपने दिया था वो आपने वापस ले लिया या अभी आप इस्तीफा दिए हुए हैं? देखिए, आप माननीय जो हमारे इंचार्ज है, ऑब्जर्वर है, वो आए हैं शिमला और मैंने कल भी उनसे बात करी थी, आज भी उनसे जाकर बात करेंगे और उसके बाद जो है वो स्थिति स्पष्ट होगी। आप भावुक हो गए थे उसको लेके, आपके समर्थक भी बहुत ही ज्यादा भावुक है। आज सुबह से हमारी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमारे हिमाचल की शान है विक्रमादित्य सिंह और उनके साथ ठीक नहीं हुआ, आपके भावुक होने का असर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तो भावनात्मक प्रदेश है तो यहाँ तो जो है हर चीज से ऊपर ये चीजें रहती है, मगर हम अपने प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी चट्टान की तरह खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन तो मिलकर मुख्यमंत्री हम आगे बढ़ेंगे। आप उनके छोटे भाई हैं और ये छोटे मोटे मन मुटाव चलते रहते हैं, तो अभी आप मंत्री हैं, उन्होंने आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया? वो तो मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े भाई है, मैं उनका छोटा भाई हूँ तो अच्छी बात है। दरार कैसे आ गई? नहीं, दरार कोई नहीं है भैया, दरार कोई नहीं है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, हम सबका बहुत मान सम्मान करते हैं और अगर कुछ इश्यूज हमने उठाए हैं तो उनको हमने पार्टी हाईकमान के समक्ष रखा है और उन्होंने मुझे इस बारे में कहा था कि हम इस पे कल फिर से बात करेंगे, तो आज मैं अभी जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। जो हमारे सभी ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हैं, दो पूर्व मुख्यमंत्री आए हैं, उनसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नाश्ता यहीं पर कर लिया, नाश्ते में इंतजार हो रहा था आपका, नाश्ता बड़ा। सरकार का बचे रहना और सीएम का बचे रहना दो अलग बात है। ज्यादातर विधायक जो कह रहे थे कि सीएम से नाराजगी है, बदला जाए, वो फिलहाल टल गया है या अभी भी मांग पर जो बागी विधायक है, जो नाराज विधायक है, वो कायम है? नहीं, मैं तो किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं ना, तो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। लेकिन जब राजीव शुक्ला जी के साथ बाहर आए, ओबराय होटल के बाहर आए, तो ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन रात बीतने के बाद आज फिर सुबह ऐसा माहौल बन रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण। देखिए, मैंने आपसे ये कहा है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि हम ऑब्जर्वर्स आए हैं, उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री जी का भी मैं मान सम्मान करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, और जो भी बात है हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि हम कल पूरी चर्चा करके फिर से आपसे बात करेंगे, तो मैं जाऊंगा उनसे क्लियर बात करेंगे और फिर जो है वो देखा आगे का। लेकिन नाश्ते पर आप क्यों नहीं गए, इसकी बड़ी चर्चाएं हैं, बाकी सब पहुंचे, आपने नाश्ता यहीं कर लिया? नाश्ता घर पे नहीं, मैं नाश्ता वैसे कम करता हूं। विधायक नाराज है ये बात मुख्यमंत्री को पता नहीं थी? जो विधायक नाराज है, सुधीर शर्मा मंत्री रह चुके हैं, राणा साहब सीधे धूमल साहब को चुनाव हराया है, उनकी नाराजगी को इतने हल्के में लेना, क्या वही भारी पड़ा सरकार को? मेरा अभी उस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, यही तो बड़ी दुविधा है कि आपकी नाराजगी, मतलब आपके क्वेश्चंस को नहीं सॉर्ट आउट किया गया है। मैंने आपको कहा है ना, मैं अभी जाऊंगा और ऑब्जर्वर से मिलूंगा, उनसे बात करेंगे और फिर जो है आगे का हम उसको उस तरीके से फिर आगे की चीजों को देखेंगे। आपको उम्मीद है सुलझ जाएगा मामला? अब लेट्स सी, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द ऑनरेबल ऑब्जर्वर्स। आपकी प्रियंका गांधी से बात हुई, उसमें कुछ उन्होंने आपको फोन किया था? करेंगे ना बात, करेंगे भैया, बात तो करने दो सबसे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। सर ये बताइए, आप आज की सुबह क्या कहना है आपका? कल जो हुआ वो कल हुआ, लेकिन आज की सुबह की बड़ी खबर यह है कि छह विधायक जो नाराज थे उनको नाराज ही कर दिया गया, उनको निष्कासित कर दिया गया। देखिए, अभी मेरा इस पे कहना, कुछ भी कहना ठीक नहीं है, पहले क्योंकि हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सब चीजों की परिस्थिति को देखा है, समझा है और उसके बाद माननीय स्पीकर ने ये फैसला लिया है, तो मेरा उस पे कोई भी टिका टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि वाजिब नहीं है। हम जैसा मैंने अभी कहा कि ऑब्जर्वर से हम बात करेंगे एंड देन वील सी व्हाट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन लोकसभा चुनाव सर पे है, ऐसे में अपने ही छह चुने हुए विधायक को हटा देना, उसमें एक विधायक वो है जिन्होंने धूमल साहब को चुनाव हराया है, तो इससे आपकी पार्टी कमजोर पड़ेगी या मजबूत होगी?
देखेंगे क्या होता है। दूसरा यह है कि आज सुबह आपको जाना था सीएम के घर पे, आप नहीं गए, इस्तीफा आपने दिया है, क्या अभी आप अपने इस्तीफा पे कायम है? नहीं, मैंने ये कहा था पिछले कल भी ये कहा था कि मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, और जब हम क्योंकि डायलॉग चला हुआ है, बात हो रही है, ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल जो ऑब्जर्वर्स यहां पर आए हैं वो सब चीजों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी रात ही बीती है, अभी जाकर फिर से हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे सब चीजों को देखना है, सब चीजों को ठीक करना है। और मुझे विश्वास है कि हिमाचल तो देवभूमि है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, और हम तो अयोध्या जाकर राम प्रभु राम का आशीर्वाद भी लेकर आए हैं, तो सबका आशीर्वाद साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। कभी कांग्रेस मतलब राजा वीरभद्र सिंह हुआ करते थे, आज उन्हीं वीरभद्र सिंह के नाम पर सरकार में जो है